हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। जन्माष्टमी आने वाली है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 3 सितंबर 2018 को है। अधिकांश जगहों पर 3 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन कुछ जगह पर 2 तारीख को भी मनाई जाएगी। तो इस प्रकार 2 सितंबर और 3 सितंबर दोनों ही दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण से हम अपने जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर करने का प्रार्थना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो रात्रि को पूजा होती है भगवान की, आपको पता ही है, लेकिन संपूर्ण दिन ऐसा क्या जाप करें कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहे और उनके इस आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएँ और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले भगवान की एक तो झांकी बनानी है। वैसे तो हम लोग झांकी बनाते ही हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर घर में छोटी बड़ी अपने अपने हिसाब से बच्चे सब मिलकर, कॉलोनी के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, टाउनशिप में भी, हर जगह बच्चे भगवान की झांकी बनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस जो आप बनाएंगे झांकी, उसमें सबसे खास ध्यान रखने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन लीला है उनका चित्रण आपको प्रॉपर तरीके से करना है। एक एक प्रसंग को आप चित्रित कीजिए तो भगवान का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा पॉसिबल हो तो आप उस दिन पीले कपड़े पहने। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी माना गया है और पीले रंग का वस्त्र हमेशा उनके साथ में रहता है। तो पीले रंग का जो वस्त्र है वो वाकई में आध्यात्म का प्रतीक है और इससे हमें भक्ति भावना हमारी विकसित होती है। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये भी है। तो संभव हो तो आप पीले रंग के कपड़े पहनकर ही उस दिन सारे कार्य कीजिए। इसके अलावा उस दिन एक विशेष पूजा आपको माँ देवकी और माँ यशोदा की अवश्य ही करनी है और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको विशेष पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को जीवन में अकेलापन महसूस होता है, जिन लोगों को जीवन में कोई सहारा नहीं मिल रहा, उनको गौ माता के साथ में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का चित्र हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जिनका दाम्पत्य जीवन किसी न किसी संकट से घिरा हुआ है उनको भगवान श्री कृष्ण की युगल छवि के रूप में पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जीवन में कोई अपनी व्यवस्था नहीं बिठा पा रहे हैं, जिनको जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है अपने संकटों से मुक्ति का, तो उनको भगवद गीता का कोई भी पृष्ठ खोलकर उसमें छुपी हुई उस गहरी आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन के विकट से विकट परिस्थिति में भी आपको मार्ग दिख जाएगा और आपके कष्ट दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने संसार की निस्सारता, जीवन की क्षण भंगुरता, हर चीज़ का विस्तृत रूप से समझाया है और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हों वो तो कभी पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप हैं और जीवन की हर छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने में उनकी भक्ति पूर्ण रूप से समर्थ है। तो आप संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों का गुणगान कीजिए। इसके अलावा माँ यशोदा जी, माँ देवकी जी, इनका विधिवत आप पूजन कीजिए, स्मरण कीजिए। तस्वीर, मूर्ति जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आपको विधिवत पूजन करना है, जिस तरह से हम माताओं का पूजन करते हैं। इसके अलावा आप भोग प्रसादी के रूप में रात्रि को जैसे केले, अमरूद, पंचामृत, पंजरी ये बनाकर चढ़ाई जाती है भगवान श्री कृष्ण को और विशेष उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा मेवा पाक भी बनाया जाता है जिसमें कि मखाने और बादाम, काजू और ये सब मिला के चाशनी चढ़ा के बनाया जाता है और उस दिन वो खाया जाता है। दही और दूध विशेष रूप से भगवान को अर्पित करके स्नान कराया जाता है भगवान को और चरणामृत के रूप में भगवान का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और रात्रि के समय जब व्रत खोला जाता है तो उस समय कुछ लोग तो शाकाहारी करते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं और कुछ लोग जैसे सामान्य भोजन होता है वो करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से भोजन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी भगवान की पूजा में सबसे प्रमुख होता है भक्ति भावना और श्रद्धा भाव। तो वो आपको पूरा रखना है और आप रखते ही होंगे तो आपकी जो मनोकामना है, आपकी सिद्धि, वो सब सार्थक होगी। लेकिन आप इस दिन पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों का स्मरण करें, राधे राधे बोलें आप, इससे भी शक्ति की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप भगवान के विभिन्न नामों का स्मरण करेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में
आशा की किरण नजर आएगी। जीवन में यदि आप निराश हो चुके हैं तो आपके अंदर उत्साह पैदा होगा, तो भगवान श्री कृष्ण की इस अद्वितीय भक्ति को आप प्राप्त कीजिए और इस त्यौहार को बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ आप मनाइए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो कार्य मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर करने हैं, वो आप करिएगा तो उससे आपको अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।